नमस्ते, आप सभी को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल तसंग पानोर में फिर से स्वागत है। ब्लॉक पॉइंट का अपडेट के लिए आप सभी को दिखाने के लिए फिर से मैं आया है। तो ऐसे हम उस दिन बोला था दो दिन का बाद में दिखाएगा बोल के, लेकिन उसका बाद में मैं दो तीन बार यहाँ में आया है, फिर भी उसको अपडेट करने नहीं सका है। उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता है। और यहाँ में ऐसे है कि उस दिन का बाद जहाँ तक लास्ट टाइम गोपाल हम दोनों जैसे देखा जाता है, वहाँ से 6 मीटर अंदर चला गया था रास्ता जो है। और ऐसे जाने के बाद में जो है अभी जहाँ काम हो रहा है वो जो है सबसे टप वाला जगह में है, सबसे रिस्की वाला जगह में वो पॉइंट। तो उसमें जो है काम जो है स्पीड में नहीं गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो लेकिन शायद अभी तक उस पार हो ही जाना था, लेकिन वेदर भी खराब हो गया, बारिश होने की वजह से जो है काम नहीं करके यहाँ में कंपनी भी ऐसे बैठ गया। और मौसम साथ देने से तो शायद हफ्ता 10 दिन में ये जगह को जो है पार कर लेना था। लेकिन फिर से ऐसे हुआ है कि उस दिन हम दो बार आया था, दो बार आने के बाद उसका छोटा छोटा सा क्लिप है जस्ट सेकेंड सेकेंड का, उसको भी देखाएगा। और उसके बाद ये जितना ये वीक में जितना ज़ोर से बारिश हुआ है तो वो लोग भी काम नहीं कर सका है। उसमें जो है ऊपर से बहुत पत्थर आ रहा था और स्लाइड भी आ रहा था जहाँ से कटिंग हुआ है। तो यहाँ में अभी आके देखा है तो स्लाइड बहुत गिरा है, तो वो ही स्लाइड को हटाने के लिए अभी लगा हुआ है। और ऐसे गोपाल से हम पूछताछ किया है तो वो लोग गोपाल बताया है कि अभी ज़्यादा नहीं है सर, 7-8 मीटर ही है उस पार जाने के लिए, लेकिन जो पत्थर गिरा है उसको क्लियरेंस करने के बाद में उस पार जाएगा, फिर से काम को शुरू करेगा। तो शायद आज वो ही क्लियरेंस में लग जाएगा। और ऊपर से जो पत्थर गिरा है वो तो तीखी है मेरा हिसाब में, नहीं होने से वो बाद में भी गिरना ही था, तो अभी गिर गया बहुत अच्छा बात है। तो देरी नहीं करते हुए चलिए अभी जाके देखते हैं थोड़ा सा आज का एग्जैक्टली क्या हुआ है बोल के, काम कहाँ तक हुआ है बोल के। ये वीडियो क्लिप 23 मार्च का है, जब PM साहब आया था उस समय का वीडियो क्लिप है। उसके बाद में जो है 5 मीटर 6 मीटर ऐसे अंदर गया था, उसके बाद बारिश होने का कारण काम आगे नहीं बढ़ा है। तो और शायद आज ही फिर सिर्फ वेदर रिपोर्ट के हिसाब से आज ही धूप दे रहा है, बारिश गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे होने से जितना दिन बारिश गिरेगा यहाँ में काम नहीं होगा, वो तो आप सब भी जानता होगा। बारिश गिरने से काम करना पॉसिबल नहीं है बोल के, ऊपर से फिर अभी नया नया मिट्टी फॉर्मेशन का थिंक किया है तो पत्थर तो ऊपर से आना ही है। तो जल्दी काम करने के लिए काम जितना जल्दी प्रोग्रेस होना है बोलने से ये करना पड़ेगा, धूप देना पड़ेगा। भाई गोपाल कहाँ गया? गोपाल होगा हो भाई, जितना ऊपर से आना था सब आ गया ना, और भी आने के लिए है ना। तो ये क्लियर नहीं होने से तो उस पार फिर नहीं जा सकेगा, आज तो इसी में लग जाएगा, कल से फिर बारिश है, कल से ड्रिलिंग होगा क्या? नहीं नहीं, धूप देने से तो कल ड्रिलिंग हो जाना था, तो लेकिन फिर से बारिश हो गया, कल से तो बारिश हो। तो ये देखिए ऊपर से जितना मिट्टी गिरना था ये बारिश में पूरा गिर गया, जितना रास्ता कटा था पूरा वो जो है उससे फिलअप हो गया। तो उस पार जाने के लिए फिर से ये जितना बड़ा बड़ा बोल्डर है इसको ब्लास्ट, आज सुबह भी ब्लास्ट किया है, ब्लास्ट करके इसको फिर से हटाना पड़ेगा, हटाने का बाद में उस पार जाएगा। तो काम का अपडेट आप लोग रोज देखा हो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ में बारिश होने की वजह से काम जो है आगे नहीं बढ़ के ऐसे रुक गया था। अभी अगर वेदर साथ देता है तो तभी आगे जा पाएगा,
लेकिन आप लोग को उस दिन का मेरा दो बार विजिट का छोटा छोटा क्लिप देखा, जैसे देखा ही दिया है, काम जो है उस दिन से बहुत आगे गया था, आगे जा चुका है। और वो जो थोड़ा सा ये अभी ये वाला पॉइंट जो सफ़ेद वाला ये पॉइंट जो है ये ही गिरना है, ये गिरने से उस पार हो जाता है। तो उस पार होने में गोपाल का स्टेटमेंट का मुताबिक 7-8 मीटर सिर्फ बसा है, लेकिन ऐसा वेदर में आगे जाना मुश्किल है। अगर डूब जाता है तो वहाँ फिर ड्रिलिंग करेगा, बारिश होने से तो काम रुका के रखना पड़ेगा, ऐसे भी रिस्की है। ऊपर से अभी भी आने के लिए है, ये वाला पत्थर अभी भी आने के लिए है, तो ऊपर का बहुत बड़ा पोर्शन तो पूरा आ गया। तो आप लोग की नाराज नहीं होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। वो देखा है पोगलेन का आगे में कितना बड़ा बड़ा पत्थर आ गया, ये सब आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट जब डूब देगा ड्रिलिंग करना शुरू होगा तभी आप चेक करेंगे। तो बारिश देने से आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इसमें काम आगे बढ़ जाए। तो भगवान से दुआ करो कि वेदर अच्छा हो और तभी काम जो है प्रोग्रेस होगा। ये देखिए बहुत बड़ा पोर्शन गिरा है, तो और भी गिरने के लिए। तो भाई होगा नेक्स्ट टाइम आएगा, हाँ जब डूब देगा तारा गई ना जो ये वो मोल है इंगोलो इनको ऐसे भी हमको आई होगा भाई लोग, हाँ ठीक से काम को कीजिए, हमें फिर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बारिश नहीं होने से आएगा। हाँ अच्छा गोपाल, उस दिन लास्ट टाइम हम फिर दो बार आया है तो वहाँ में तो थोड़ा कुछ 6 मीटर ऐसे अंदर गया था, तो 10 मीटर से बैलेंस था, 5 मीटर से कटिंग हुआ, और मेन जगह अभी 5 मीटर से कटिंग करने के लिए बाकी है। 5 मीटर से मेन जगह बसा हुआ है। तो अभी हम जो देख के आया है वो तो ऊपर से आने वाला है ना, ऊपर से अभी जो सामने गिरा हुआ है अभी देखा था ऊपर से जो बारिश के लिए बारिश में गिरा है रात में, उसको क्लियरेंस करना, उसके क्लियर करने के बाद में अभी आगे जाएगा। बारिश होने से तो काम नहीं करेगा, बारिश होने से मैंने गिरते रहता है ना सर, होता है। तो कल भी बारिश है बारिश का कारण जो है काम जो है रुक गया था, और उसके ऊपर से जितना पत्थर आना था वो भी आ गया, तो बहुत बड़ा पत्थर आया है, स्लाइड आया है, शायद वो स्लाइड को हटाने में ही आज का दिन लग जाएगा, वो हटाने से आगे जा पाएगा। और शायद वेदर रिपोर्ट में कल से फिर बारिश होगा, तो बारिश होने से जो है काम जो है फिर से रुक जाएगा। ऐसे इतना रिस्की है बारिश में, तो आप सब भी जानता है, ड्रिलिंग करके ब्लास्टिंग करेगा और पोगलेन से सफा करेगा ये पॉसिबल नहीं है। तो बारिश नहीं होने से जो है काम जो है ऊपर से 10 दिन हफ्ता दिन ऐसे में उस पार जाना था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है, काम जो है फिर से बढ़ गया। आज का अपडेट इतना ही है, और नेक्स्ट टाइम जो है जब वेदर ठीक होगा तभी मैं यहाँ में आएगा, और वेदर ठीक नहीं होने से बरसात होने से जो है यहाँ में काम भी नहीं होगा। और होप करता है अभी आप सब भी यहाँ का सिचुएशन को देख के राहत मिल गया होगा। तो आज का अपडेट इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में जब वेदर ठीक होगा तब तो फिर आप सबको यहाँ का अपडेट देखने मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।